हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे क्वाड्रिलैटरल चैप्टर से सम यूजफुल फैक्ट्स अबाउट अ ट्रायंगल। इससे रिलेटेड हमने थ्योरम वन कर लिया था। नाउ थ्योरम टू, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड इंटरसेक्ट्स द थर्ड साइड ऑफ इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, ये थ्योरम टू जो है थ्योरम वन का रिवर्स है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम वन कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने थ्योरम वन में किया था कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मीड पॉइंट को, मान लिया कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसके ए बी और ए सी साइड के मीड पॉइंट यानी डी और ई को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो डी ई लाइन सेगमेंट जो है वो थर्ड साइड बी सी के पैरेलल होगा और हाफ ऑफ बी सी होगा। ये हमने थ्योरम वन में किया था। यहाँ क्या करना है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम वन कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मान लो कि ए बी एक साइड है और इसके मिड पॉइंट डी से जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया वो बी सी के पैरेलल ड्रॉ किया है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो दूसरी लाइन ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है, थर्ड साइड ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट जो है ए सी का मीड पॉइंट होगा। क्लियर, फिर से बताऊँ आपको, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज़ द मीड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, और यहाँ से डी ई पैरेलल बी सी ड्रॉ किया गया है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ई जो है वो ए सी का मीड पॉइंट है यानी ए ई इक्वल है ई सी के। ठीक है ना, तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। हम क्या करेंगे, हमें तो क्वेश्चन में दे रखा है कि डी जो है मीड पॉइंट है एंड डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ये जो ई जो है वो मीड पॉइंट प्रूफ करना है हमें, ए सी का मीड पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, एक अलग से एक पॉइंट ले लेते हैं ई प्राइम, ए सी पर एक पॉइंट ले लेते हैं ई प्राइम, और एक मिनट के लिए हम ये मान लेंगे कि ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ई प्राइम ए सी का मिड पॉइंट है। नाउ डी और ई प्राइम को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए बी सी आप लिखिए यहाँ पे, इन ट्रायंगल, या आप ये भी लिख दीजिए थोड़ा सा, लेट ई बी नॉट द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मतलब हमने मान लिया कि ई जो है ए सी का मिड पॉइंट नहीं है, तो फिर क्या है, लेट ई प्राइम, ठीक है, ई प्राइम इज बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्लियर, ये लिख देंगे और उसके बाद डी एंड ई प्राइम को ज्वाइन कर लेंगे, तो हम यहाँ पे वो भी लिख देते हैं, ज्वाइन ई प्राइम। ठीक है, चलिए डी ई प्राइम, डी ई प्राइम को हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, और डी ई पैरेलल है बी सी के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी ई पैरेलल बी सी दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, और अगर हमने ई को, ई प्राइम को मान लिया है मिड पॉइंट, तो इट मीन्स डी ई प्राइम, यहाँ पे पैरेलल होगा, पैरेलल लिखेंगे ना, डी ई पैरेलल बी सी दे रखा है क्वेश्चन में, और डी ई प्राइम पैरेलल बी सी हमने किया है। अगर हमने ई प्राइम को मिड पॉइंट माना है तो थ्योरम वन के अकॉर्डिंग, जो हमने पहले कर रखा है थ्योरम वन के अकॉर्डिंग, अगर इस दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो हमने क्या किया है, ई प्राइम को मिड पॉइंट माना है, तो डी ई प्राइम जो लाइन सेगमेंट है वो बी सी के पैरेलल होनी चाहिए, है ना। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम वन आप यहाँ पे लिख सकते हो,
थ्योरम वन के अकॉर्डिंग ये डी ई प्राइम पैरेलल होना चाहिए बी सी के। बट आपने क्या पढ़ा है, पहले आपने ये भी पढ़ा है सेम लाइन के पैरेलल में दो लाइंस नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना, क्योंकि सिर्फ एक ही लाइन पैरेलल होंगे, दो दो लाइन पैरेलल्स हो नहीं सकते, ये आपने पहले पढ़ रखा है। इट मीन्स बी सी के पैरेलल में या तो डी ई हो या फिर डी ई प्राइम होने चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द पैरेलल लाइन एक्जियम। पैरेलल लाइन एक्जियम में आपने पढ़ा है कि किसी भी लाइन के पैरेलल में सिर्फ एक ही लाइन पैरेलल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो माना था कि ई मिड पॉइंट नहीं है, ई प्राइम मिड पॉइंट है, ये रॉन्ग प्रूफ हो गया, हो गया ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप सीधा, हम लिख देंगे दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द पैरेलल लाइन एक्जियम, टू द पैरेलल लाइन एक्जियम, ये हमने पहले कर रखा है। तो हेंस E is the midpoint of AC. Clear ना? अब सपोजिशन इज रॉन्ग, आप यहाँ पे लिख सकते हैं।